गाइस, अब तक तो आप मुझे जान ही गए होंगे। आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ उन लोगों के दिल को टच करूंगी जो शायद मेरी भाषा समझ पाए। मेरे पास बहुत सारी पिच आती है, बहुत सारे ऐसे रेवेन्यू मॉडल्स आते हैं जो शायद बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं, पर उनमें चैलेंज क्या आता है कि वो हिंदी बोलते हैं। वो मुझसे ये बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगता अगर हिंदी में पिच करें। वो पूरे टाइम पिच में ये स्ट्रगल करते रहते हैं कि उनका लैंग्वेज कैसे बोल पाए। रादर देन फोकसिंग ऑन बिजनेस, वो ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश में बेटर कैसे बोल पाए। और असल में क्या होता है कि इन्वेस्टर को समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोलना चाह रहा है, वो पिच ही नहीं कर पाता। अंटिल एंड अनलेस उसके पास एक गुड इन्वेस्टमेंट बैंकर हो जो इंग्लिश बोलता हो, जो समझा पाए। बावजूद इसके इन्वेस्टर्स का फाउंडर के मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप रेवेन्यू कैसे कमाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैंने बहुत बार कॉल्स पे देखा है, जिस लाइव कॉल्स पे मैं गई हूँ पिच में, उसमें मैंने देखा है कि फाउंडर बता ही नहीं पाता और इतना फंबल करता है कि एक्चुअली में इन्वेस्टर को लगता है इसको क्लैरिटी ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, जस्ट इसलिए कि आप उसको वो लैंग्वेज सिखा रहे हैं जो इसने कभी बोली ही नहीं। इट इज फेक, वो जो बोल रहा है वो दिल से नहीं बोल रहा, वो कैसे समझाएगा आपको अपना बिजनेस प्लान। मे बी वो उसका बिजनेस प्लान इतना ज़्यादा फोकस्ड हो, इतना ज़्यादा अमेजिंग हो और एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, पर इस तकलीफ में कि वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा, इस तकलीफ में वो आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहा। He feels that he's short of words. पर हम क्या कम्युनिटी बना रहे हैं? हम एक हिंदी मदर टंग देश में रहते हैं और हम बोलते हैं नहीं, आपकी पिच इंग्लिश में होनी चाहिए। जहाँ पर बॉलीवुड मूवीज सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर रामायण जब रिलीज हुई है अब दोबारा तो उसको 7 मिलियन व्यूअर्स मिले हैं, उस देश में हम ये कहते हैं नहीं, स्टार्टअप इकोनॉमी से हम हमेशा इंग्लिश में पिच मांगेंगे। क्यों? क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो अपने धंधे पे फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन लैंग्वेज? मैंने बहुत सारे इंक्यूबेटर्स एक्सेलरेटर्स को देखा है, वो जो पिच का सेशन करा रहे होते हैं वो ये सिखाते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोलना है। आई मीन इट्स गुड कि आप आर्टिकुलेशन सिखा सकते हैं, बट उन्हें लैंग्वेज बैरियर मत बनाए। बट देन आई रियलाइज कि वहाँ से इशू नहीं है, इशू ये है कि वो इन्वेस्टर तक कैसे अपनी बात पहुँचाए, क्या उन्हें फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं या आप फंड हाउस हैं तो क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट मानेंगे? क्या पता आपको एक यूनिकॉर्न मिल जाए। आपको यूनिकॉर्न मिलने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बिफोर एनी कॉल जो पिच के लिए आती है, क्या आप ये पूछ सकते हैं कि आप पिच हिंदी में देना चाहेंगे कि इंग्लिश में? आप डिफरेंट बनेंगे तो स्टार्टअप इकोनॉमी डिफरेंट होगी, एंड स्टार्टअप इकोनॉमी डिफरेंट होगी तो क्या पता हम इस कोविड जैसी कितनी सिचुएशंस से लड़ जाएंगे। एक बार एज एन इन्वेस्टर सोचिएगा जरूर, क्या मेरा धंधा इम्पोर्टेंट है कि मेरी लैंग्वेज।